नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, 1000 miles ऑफ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेप, यानी कि हजारों मील की यात्रा है वो हमारे पहले कदम से शुरू होती है। तो साथियों, इसी के साथ हम ग्रामर का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने फोनेटिक्स की 5-6 क्लास की है जो कि इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन फोनेटिक्स के वो रहते हैं और समय रहते हैं हम उनको भी करेंगे। तो उसी के साथ, जैसे कि अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, CET का होने वाला है, उसके अलावा STET का एग्ज़ाम हमारे सर पे है, या कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम है जो टीचिंग का है, चाहे वो हमारी STET है, CTET है, या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, उसमें ग्रामर आपको पता है मुख्य तौर पर पूछा जाता है। तो हम साथियों ग्रामर की ही क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे वॉइस, जिससे ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंग्लिश से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वॉइस से क्वेश्चन आपके पेपर में ना मिले। तो सबसे पहले तो हम इसका फोनेटिक्स सीख लेते हैं। तो वॉइस का फोनेटिक्स ये होता है साथियों, वॉइस यानी कि जब भी V से कोई शब्द शुरू होता है तो V ही होता है। ये O के लिए ध्वनि आपको पता है, O है, वॉइस। तो साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कि वॉइस होते क्या हैं। हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है पैसिव वॉइस, यानी के पैसिव वॉइस। और दूसरा हमारे होते हैं एक्टिव वॉइस। जितने भी हमारे टेंस हैं, यानी के जितने भी हम इंग्लिश के अंदर टेंस करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी वर्ब होती है एक फाइनाइट वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा साथियों क्या होता है, हमारा ये एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है वो साथियों काम करता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से क्रिया के ऊपर प्रभाव डालता है या कार्य करता है। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस के अंदर किसका कार्य होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे एक हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने लिखा राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया साथियों, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है साथियों, एक्टिव वॉइस है। और इसी को हम अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव ये हमारा क्या है साथियों, आपको ऊपर रूल में बताया है एक्टिव वॉइस है ये हमारा, और हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है साथियों, ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी पैसिव बनाते हैं, यानी कि पैसिव बनाने का रूल नंबर फर्स्ट ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब भी पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट है वो हमारा साथियों क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और जो विशेष करके हमें ध्यान रखना है, जो कि पहचान होती है वो इसकी, वो होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो साधारण टेंस है उसमें सिंगल फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि राम यहाँ क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, तो हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, तो इसका हम पैसिव बनाते हैं तो हमारा आगे क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा, बुक। और इनडेफिनेट टेंस है तो इज एमआर में चेंज होगा, बुक इज ए। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड रीड, तो रीड ही होती है, बुक इज रेड बाय, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, राम, यानी कि बुक इज रीड बाय राम, ये हमारा साथियों किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी एक्टिव और पैसिव के बारे में। तो साथियों अब हम डिटेल में शुरू करते हैं, हम वन बाय वन रूल करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का चेंज करते हैं, हम एक एक करके टेंस करेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, सबसे ज़्यादा एरर जो बनते हैं साथियों,
आपके एग्जाम में जब भी एरर देखा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट से लिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है और एग्जामिनर का भी फेवरेट रहता है। तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में वी वन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं हम, ये सभी हम जानते हैं, यूनिवर्सल सी बात है। या उस टेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, डू या डज हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये तो होता है हमारा एक्टिव का, लेकिन जब हम इसे किसमें साथियों चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो इसके अंदर क्या बदलाव होंगे, जो डू डज है वो चेंज हो जाएंगे साथियों इज, एम और आर। और मैंने पैसिव की एक पहचान बताई है कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है साथियों, इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम बनाते हैं, और अगर आपको पता है सब्जेक्टिव केस जैसे ही दिया हुआ है या शी दिया हुआ है या वी दिया हुआ है, तो उसको अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, ही है तो वो किस में चेंज हो जाएगा साथियों, हिम में चेंज हो जाएगा, सी है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में हो जाएगा, वी है तो किस में चेंज हो जाएगा साथियों, एस में। जैसे कि एक एग्जांपल से, जितना आप सिंपल पढ़ोगे उतनी ही आपका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये आपको साधारण चीज़ें आएंगी, तो मुश्किल चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। जैसे सी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी टीचेस इंग्लिश, वह क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। तो हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि साथियों ये हमारा क्या है, हमारा एक्टिव टेंस है। इसको हमने किस में चेंज करना है, वॉइस में, यानी कि पैसिव में। और वैसे भी पता लग रहा है कि इनडेफिनेट टेंस है, तो सबसे पहले हम आगे क्या लेके आएंगे, इंग्लिश। मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, इंग्लिश आ जाएगा। फिर हमें पता है कि इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए ही सी इट कोई भी हो, सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इज का, आई के साथ क्या लगता है, एम, और वी यू दे के साथ हमेशा क्या लगता है साथियों, वर, ये आपको पता होगा। तो उसके बाद इंग्लिश एक वचन है तो हमारा क्या लग जाएगा, इज, इंग्लिश इज। और टीच की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है साथियों, वो इसमें मैंने बताया था थर्ड, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, टोट, इंग्लिश इज टोट बाय। और सी हमारा क्या है साथियों, आप जानते हो सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव में सी किस में चेंज हो जाएगा, हमारा हर में हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश इज टोट, इंग्लिश इज टोट बाय हर। देखो सी था वो किस में चेंज हो गया, हर में हो गया, और जो ऑब्जेक्ट था इंग्लिश वो आगे आ गया, और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, थर्ड, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, इज अमार, क्योंकि ये चेंज होता है इज अमार में। एक और एग्जांपल लेते हैं साथियों, जैसे आई टीच, आई टीच हिम, साधारण लूंगा, जितने साधारण लेंगे तो बार बार टीच का ही लेंगे, बाकी और भी ले सकते हैं, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हमें पता है, हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम है, जैसे यहाँ से इधर चेंज होता है और इधर चेंज होता है, यानी कि हिम है। अगर अब हमें पता है हिम आगे नहीं लग सकता, इसको सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, तो हिम का क्या बन जाएगा साथियों, ही बन जाएगा। फिर हमें पता है ही सी इट हो तो किस में चेंज होगा, इज अमार में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, इज, ही इज। टीच की थर्ड फॉर्म आप अच्छी तरह जानते हो, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट, तो मन गया ही इज टोट बाय। और लास्ट में आपको पता है आई किस में बदल जाता है, अगर आई दिया हो तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ आई दिया हो तो किस में चेंज हो जाता है, मी में, तो आई किस में चेंज हो जाएगा साथियों, मी में। इसी प्रकार जितने भी हमारे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है कि इनडेफिनेट टेंस है, यानी कि डू डज या
एस या ई एस जब भी लगा हो, ये इनडेफिनेट की पहचान होती है, वो चेंज होता है इज, एम, आर और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव केस है सी है, ही है, वी है, यू है, तो ये सी है तो उसका हर बन जाता है और ही है तो उसका हिम बन जाता है। ये आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, एक और हम ज़्यादा नहीं, इतने ही समझेंगे, ज़्यादा हो जाते हैं फिर नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। जैसे आई एट मैंगो, आई एट मैंगो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंगो है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, मैंगो, और मैंगो एक वचन है तो इज अमार में से किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। मैंगो इज, एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है साथियों, ईटन बाय, और आई किस में चेंज होगा हमारा, हमें पता है कि ये सब्जेक्टिव केस है, जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अगर यही नेगेटिव होता, एक नेगेटिव और लेते हैं साथियों, ताकि साथ के साथ आपका इंडेफिनेट वो कंप्लीट हो जाए। जैसे वी डू नॉट लाइक हिम, थोड़ा बड़ा बना दिया, कुछ भी नहीं होता, अगर आपको टेक्निक पता है तो आराम से आप बना लोगे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो हिम है, तो हिम किस में चेंज हो जाएगा हमारा, ही में, तो ही है तो हमें पता है डू डज वाला है, डू नॉट लगा हुआ है, तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे हम, इज, ही इज, और नॉट के लिए इसके साथ ही नेगेटिव है तो हम नेगेटिव बना देंगे, ही इज नॉट है। लाइक की थर्ड फॉर्म साथियों क्या होती है, लाइक्ड, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे, थर्ड, ही इज नॉट लाइक्ड। और वी है तो अब मैंने अच्छी तरह बताया था, वी है तो किस में चेंज हो जाएगा, अस में, और अस होता है तो वी में, ही इज नॉट लाइक्ड बाय अस। तो देखो ये चेंज हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव में चेंज हो गया, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में हो गया, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है साथियों, थर्ड फॉर्म आती है। उसी प्रकार ये हो गया हमारा नेगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव हो, जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, ऐसा वाक्य अगर आ जाए तो हमें पता है इंटेरोगेटिव है। रूल होता है कि वॉइस में अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। नो मी, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आई है, और हमें पता है इज एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हमारा क्या लग गया, एम आई, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमने, नो की थर्ड फॉर्म, एम आई नोन बाय, और यू किस में रहता है साथियों, यू में ही, और इंटेरोगेटिव का साइन आ जाएगा, एम आई नोन बाय यू। लेकिन यहाँ गलती है, आपको ध्यान रखना है जब भी नो का यूज़ हो, यानी कि नो एक ऐसी वर्ब है, जब भी नो का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन को फॉलो करती है, ये बहुत बार साथियों एस्टेट में हर एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि नो के साथ जब भी पैसिव बनाते हो या नो के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू का, ना कि इसके साथ क्या प्रयोग होगा, बाय, यहाँ बाय नहीं लगता, बाकी सभी के साथ क्या लगता है, बाय। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों, आई थिंक आपको पसंद आएगी, और हमने वॉइस का चैप्टर शुरू किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट या संशय बनता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल मेक यू अनदर क्लास फॉर यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।